अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईमान। मैं अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब घर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ जी दोपहर का खाना। ये तो मैं आपको जाके बताऊँगी कि आज मैं दोपहर के खाने में क्या बना रही हूँ। तो चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ जी अपने किचन में। हर चीज़ मैंने पहले धो के रख दी थी, तो अब हम इन्हें काटते हैं। ये हैं जी अंबियां, ये अभी भाई लेके आए हैं बाग से। अभी नारी जी अंबियों की चटनी दोपहर के खाने में। सालन धूप काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने कहा यही चटनी बना लेते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि चटनी कैसे बनाई जाती है आपकी। इसमें जो होता है ना ये आम की चटनी, इसमें प्याज और ये मिर्चें, ये पपड़ी भी, ये सबज धनिया है, आम भी है और चूरन भी मैं डालूंगी। तो मिर्चे और प्याज जो है वो मैंने काट लिए, पपड़ी भी मैंने इसके अंदर रख लिया। अब मैं काट लेती हूँ जी सबज धनिया। हर चीज जो है वो मैंने काट लिया, अंबियां वगैरह और प्याज भी, मिर्चे भी। तो अब हम इसे डाल देते हैं जी अंदर। हर चीज इकट्ठी अब जाएगी। मैं तो बहुत ही ज्यादा शौक से खाती हूँ, तो अब मैं इसमें पीस लेती हूँ। इन्हें पीसने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। ईमान ने चटनी के लिए जो भी सामान बनाया था उसको अच्छी तरह से पीस लिया है और अब इसमें डाल रही है जी नमक। नमक डालने के बाद इसको इसमें मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगी और मिक्स करने के बाद फिर हमारी चटनी बन जाएगी। फिर इसमें हम डालेंगे जी लस्सी। जब लस्सी डालेंगे तो चटनी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो जाएगी। देखते हैं, चेक करते हैं जी आज हमारी चटनी कैसी बनती है। ये तो पता चलेगा टेस्ट करके कि कैसी बनी है हमारी चटनी। आग मैंने जला दी है। मैं आटा गूंदने लगी हूँ, लेकिन अम्मी ने मुझे आके बताया कि आटा हमारा जो है वो सुबह टाइम वाला पड़ा हुआ है। बस तो हम सुबह टाइम वाली रोटी हम तो खा लेते हैं, लेकिन जो अबू जाना है वो नहीं खाते। तो घी हमने लगा दिया था, घी वाली अबू जान ने रोटी कभी नहीं खाई है, तो इसलिए मैं अबू जान के लिए बना रही हूँ जी रोटी। आटा तो हमने नहीं गूँधा, जो सुबह टाइम वाला आटा पड़ा हुआ था उसी की अब मैं अबू को रोटी बना के दे देती हूँ। बस मैं ज़िंदगी में पहली बार रोटी बना रही हूँ, पहले तो कभी नहीं बनाई। आप ही की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी ना, तो इसीलिए मैंने कहा मैं ये अबू के लिए रोटी बना देती हूँ। तो पता नहीं कैसे बनेगी। आग भी मैंने जला दी और तवा भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया। अब रोटी पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो पेड़ा मैंने बना लिया है। अब मैं जो तवा है वो भी मैंने ऊपर चढ़ा दिया। आग जल रही है, पता नहीं तवा कब गर्म होगा। तो अब मैं डाल रही हूँ जी घी। तवा मेरा गर्म हो गया है, तो अब बनाती हूँ जी रोटी। तो अब मैं बना रही हूँ जी रोटी। तो आप ईमान डाल रही हैं जी तवे पर रोटी। पता नहीं, चेक करते हैं रोटी कैसे तैयार होती है। ये रोटी तो बहुत ही छोटी बनेगी, पता नहीं क्या बनता है। अबू के लिए रोटी बनानी थी, बड़ी आपी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए आज ईमान रोटियां तैयार कर रही हैं तवे पर। ईमान जिंदगी में पहली मरतबा यहाँ तवे पर रोटियाँ बना रही हैं। पहले भी शायद एक दो मरतबा कोशिश की है, लेकिन अब आज अबू जान के लिए पहली मरतबा रोटियाँ बना रही हैं। अबू जान ने कहा कि ईमान आप मुझे रोटी बना कर दें, तो ईमान ने कहा कि अबू जान मैं बना लेती हूँ। तो रोटियाँ जो है वो मैंने बना ली हैं माशाल्लाह, फिर भी कभी नहीं बनाई, फिर भी अच्छी बन गई हैं। तो अब मैं इन्हें जाके अंदर रखती हूँ, फिर चटनी ले जाएंगी। दोपहर का खाना तो हमने खा लिया है और बर्तन वगैरह और घड़ा जो है वो भी मैंने भर के रखा है। दो मिनट मैंने आराम किया, तो अब जो है वो मटर इकट्ठे हम कर रहे हैं, क्योंकि सेन में आज ये मटर हम उठा लेंगे, तो फिर अच्छी तरह से सेन में से जड़ लगा के और चार पाइयाँ सेन में डालेंगे। दो तीन दिन हो गया इन्हें, तो अब हम डाल रहे हैं जी मटर गट्टू में। पहले हमने इकट्ठे किए, तो फिर हम डाल रहे हैं जी मटर। इस मरतबा हम दोनों बहन भाई ने शर्त लगा लिया कि देखते हैं पहले कौन भरता है। ईमान भी शुरू और मैं भी।
मुझे लग रहा है कि मैंने हार जाना है। नवीन भाई जो है वो बहुत ही तेज डाल रहे हैं। छोटे जिन्हें भी आ जाए बड़ा बड़ा ही होता है, किसी ने कहा था। ये तो फास्ट कमांडर चेक कर, मेरा मुकम्मल तौर पर हो गया और बड़ा भी है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखेंगे, अक्सर हम टीवी में देखते हैं एक मशहूरी आती है, उस पर कहते हैं जी छोटे जिन्ने भी आ जाएं बड़ा बड़ा ही होता है, लेकिन मैंने भी भर भी दिया है। भर भी दिया नहीं है आपने, आपने कम भरा है, मैंने ज्यादा भरा। नरेश भाई बड़े थे इसलिए उन लोगों ने जल्दी जल्दी भर दिया, और पहले मैंने वो गोटू मैंने पहले शुरू किया था, इसलिए मैं पहली बार तो दानिश भाई से जीत गई हूँ, लेकिन इस बार ना मैं हार गई थी क्योंकि यहाँ पे दानिश भाई के पास है। चेक करें इसका गट्टू और मेरा, चेक करें जी मेरा कैसे है और उसका कैसे है, ये भी देख लें, इधर देख लें, दोनों मरतबा कैसे। अभी मैंने इसमें और ईमान निकाल रही है, ईमान अभी मैंने इसमें और डालने हैं, बस थोड़े थोड़े, अब ऊपर से हम छोड़ेंगे क्योंकि वो भी बांधने हैं, इसीलिए मुकम्मल हो गया माशाल्लाह से। माशाल्लाह से हमने गट्टू बांध कर रख दिया, मटर और ईमान उधर झाड़ू लगा रही हैं, तो अब हम इन्हें उठा कर अंदर रख देते हैं। ईमान इधर आओ, गट्टू जो है वो काफी वजनी है। तो चारपाई भी मैंने निकाल दिए, सेन से झाड़ भी लगा ले, सारा काम हो गया मेरा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।